पिछोर अनुविभाग अंतर्गत खोड़ पंचायत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें आलोक प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि हाथ जोड़ो यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में गाँव गाँव में निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे खोड़ पंचायत में यह यात्रा निकाली गई, जिसमें हमने भाजपा की भ्रष्ट सरकार का विरोध किया है और आम जनता के प्रत्येक व्यक्ति को भाजपा टीना नाकामयाबी और भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। साथ ही हमने किसानों की फसलें जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से नष्ट हो गई थी, उन किसानों के खेतों का ना तो सर्वे किया गया ना ही उन्हें मुआवजा दिया गया, उसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए यह मांग की है। सर, जो आपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार। हमारे शीर्ष नेता कमलनाथ अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रदेश के हर गांव हर कस्बे में लेके जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी और भ्रष्टाचारी की सारी बातें हर जनता के प्रत्येक व्यक्ति को अवगत करा रहे हैं। इसलिए हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चालू है हम लोगों की मध्य प्रदेश में। पर हम लोगों ने किसानों से संबंधित जो ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, उन लोगों का ना तो आज तक कोई मुआवजा दिया गया, ना ही उन लोगों का सर्वे किया गया है प्रशासन द्वारा। उस संदर्भ में हम लोगों ने एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है